गेट बंद कर दे, पीछे पीछे बैठो। रेनू पीछे सर, इस सीट पर बैठो, आगे कर ले सर। बोरान उसको सही कर, आज हम बिल्कुल नया कानून पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि आईपीसी का, जिसे हम इंडियन पिनल कोड कहते थे, उसी का नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। क्या कर दिया है? भारतीय न्याय संहिता। तो क्वेश्चन इज दिस, वेदर इट इज कंप्लीटली न्यू और द सेम एक्ट इज रिपीटेड हियर, क्या ये वही है या कुछ इसमें नया है? नया है कुछ, नया क्या है, इसके नंबर्स अलग हैं। इसके अलावा जो नंबर्स अलग अलग जगह थे, जैसे बीच में रिपील्ड हो गए थे, तो रिपील्ड की जगह अब कोई रिपील्ड सेक्शन नहीं है, सारों को इकट्ठा कर दिया है। देखा जाए तो ये वही पुरानी आईपीसी ही है, ठीक है ना? तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें समझना है कि ये जो पीनल लॉ है वो क्यों भारत में आया था, क्या इसकी जरूरत पड़ी थी और अब क्यों इसको चेंज कर दिया है। इस सारे को हम अभी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, फिर इस एक्ट को देखेंगे। और चूंकि दोनों एक्ट पढ़ेंगे, बिकॉज इन एपीओ एग्जाम, इन एडीजे एग्जाम, द ओल्ड एक्ट दैट इज आईपीसी विल बी देयर, और जो स्टूडेंट 2 साल बाद, 3 साल बाद एग्जाम देंगे, उनके लिए संभवतया नए एक्ट्स आएंगे, ठीक है ना? तो हम दोनों को ही पढ़ेंगे। और ये भी संभावना है कि आपसे कहा जाए कि भाई दोनों ही एक्ट आपको पढ़ने हैं। तो दोनों ही एक्ट्स में क्या है कि नंबर्स का अंतर है। इधर आ जाओ, इस साइड बैठ जाओ, खाली दो सीट्स। बेरेक तो होंगे नहीं आप पे, मोबाइल में खोल लेना जिसके पास ना हो, ठीक है ना? तो अभी तो आप पहले लिसन इट्स बैकग्राउंड। हेलो, हाँ आदित्य, हेलो, हेलो, तो क्यों ये एक्ट आया और ये एक्ट है क्या है, ठीक है ना? देखो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें। जब अंग्रेज भारत में आए तो सबसे पहले उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ का जो कानून है वो क्या है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के लॉ से पहले से ही परिचित होंगे, तो क्यों ना हम उसी कानून को इनके ऊपर लागू करें। सो दे ट्रांसलेटेड
मनुस्मृति विद द नेम ऑफ कोड ऑफ जेंटुलॉस, जेंटुलॉस के नाम से मनुस्मृति को उन्होंने ट्रांसलेट कराया और उसे रीड किया, तो उन्होंने कहा कि ये तो चलने वाला एक्ट है नहीं इसको, क्योंकि इसमें जो व्यवस्थाएं हैं दीज आर वेरी ओल्ड, अब इन सब चीजों को उस रूप में नहीं रख सकते। लेकिन उन्होंने मिक्स लॉ को यूज किया, कुछ अपनी चीजें रखी, कुछ यहाँ की जो चीजें थी, जो ट्रेडिशनल चीजें थी, उन सब को मिलाकर उन्होंने ये कानून स्टार्ट किया। जैसे अंग्रेज यहाँ एस्टेब्लिश हुए तो फिर उन्होंने अपने एक्ट्स को लागू करना शुरू किया और अपना एक कोर्ट्स का सिस्टम बनाया। दे एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट कोर्ट इन कैलकटा बिकॉज इट वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया दैट टाइम। कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड इन 1911। तो राजधानी तो 1911 में आई है दिल्ली में, उससे पहले कलकत्ता थी, और वहीं पर उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया। और सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट जज थे ही वॉज एलिजा एम पी। और पहले जज थे वहां के हिसाब से उन्होंने शुरुआत की, और जैसे ही ये सब चलने लगा तो चूंकि फिर धीमे धीमे एम्पायर उनका बढ़ने लगा, पहले बंगाल में ही थे, बंगाल से फिर इधर यूपी में, बिहार में, और इधर पंजाब तक उनका एम्पायर हो गया, और लगभग सारे जगह उनका एम्पायर फैल गया। लेकिन चूंकि वो एक काम और कर रहे थे, यहाँ की वेल्थ को ले जाकर अपने देश में ले जा रहे थे, वो यहाँ परमानेंट सेटल होने के लिए नहीं आए थे। तो जब ये कर रहे थे तो यहाँ के लोगों ने उनका विरोध किया, और चूंकि वेल्थ ले जाने के लिए यहाँ जो कर रहे थे वो थे तो दिमागदार लोग, यहाँ के सीधे थे, तो कंट्रोल करना आसान था, जनसंख्या में बहुत कम थे अंग्रेज, तो सीधे लोगों को आसानी से कंट्रोल कर लिया। लेकिन सीधे लोगों को कभी कुछ चीजें बुरी हुई लगी, तो 1857 में एक रिवोल्ट हुआ, और वो रिवोल्ट इतना तेजी से हुआ, इतना मजबूती से हुआ, तो अंग्रेजों को लगने लगा कि अब देश छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय के जो राजा थे, दो राजा थे, उनमें एक सिंधिया थे, तो उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया, और वो उस समय जो आज़ादी मिलने वाली थी 1857 में, वो 90 साल बाद मिली, क्योंकि सिंधिया ने क्या किया कि भारतीयों को ही कंट्रोल करना शुरू करवा दिया। ऐसे ही पंजाब के राजा थे, उन्होंने भी यहाँ के लोगों को ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। तो वहां जो रानी बैठी हुई थी ब्रिटेन में, तो बोली कि ये तो सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ होने वाला था, हमारे पास जो इतनी वेल्थ आ रही है वो बंदी हो जाती, तो ऐसा करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा जो रूल है उसको हटा देते हैं। उन्होंने रूल हटा दिया, तो पहले गवर्नर जनरल बैठता था, दे स्टार्टेड द न्यू पोस्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय एंड एस्टेब्लिश्ड एंड एनफोर्स्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। इन दैट एक्ट देयर वाज सम न्यू प्रोविजंस, उसमें कुछ
अलग तरह के प्रोविजन थे, और उसमें ये लिखा हुआ था कि अब यहाँ भारत में जो ब्रिटेन में कानून लागू होता है वो वाला कानून यहाँ लागू करेंगे। लेकिन 1835 में इससे पहले फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन बनाया गया था। मैकाले वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट लॉ कमीशन, बट दैट लॉ कमीशन वॉज नॉट वर्किंग गुड। फर्स्ट टाइम, पहली बार इसे कुछ ज्यादा मिला काम करने के लिए। क्या कहा गया कि एक तो पीनल लॉ बनाओ, तो कुछ लोगों को लगाया पीनल लॉ मतलब दंड विधि, जो दंड देने वाला कानून है, पीनल लॉ बनाओ, प्रोसीजर लॉ बनाओ। तो ये जो कानून अभी आप पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, सारा का सारा क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, वो सब सेकंड लॉ कमीशन ने बनाए। और सेकंड लॉ कमीशन में उस समय मिस्टर मिलेट होते थे, एंडरसन होते थे, मैकाले चेयरमैन ही थे। ऐसे करके ये कानूनों का निर्माण हुआ और आईपीसी बनी, इंडियन पीनल कोड बना। कौन सा कोड बना? इंडियन पीनल कोड बना। 1858 में वो एक्ट आया और पीनल लॉ को सबसे तेजी से बनाया, जल्दी से पीनल लॉ की जरूरत थी। और उस समय की सीआरपीसी जो थी, जिसे आप 1973 के नाम से अभी जानते हैं, और अब बिल्कुल नया आ गया सुरक्षा विधि के नाम से, तो ये भी उसी समय बनी थी। बाद में कई बार इसमें अमेंडमेंट होते रहे, ये भी उसी समय बने। एविडेंस एक्ट जो वहां चल रहा था, पहले वही लागू किया, बाद में 1872 में इंडिया के लिए एविडेंस एक्ट बना। अब वहां कैसे बन रहे थे कानून, वहां जो जूरिस्ट थे वो दो चीजें देख रहे थे कि सोसाइटी में इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के ऑफेंसेस करते हैं, और इन ऑफेंसेस में ये सजा होनी चाहिए। जूरिस्ट का मतलब एक तरह से ऋषि मुनि, कानून के ऋषि मुनि। ऐसे करके वो अपने देश के लिए कानून वहां के लिए यूज कर रहे थे। द सेम लॉस वर एनफोर्स्ड इन इंडिया। और चूंकि उनका आधी से ज्यादा पृथ्वी पर रूल था, तो आप देखोगे अमेरिका में भी यही कानून है, किस ऑस्ट्रेलिया चले जाओ वहां भी यही कानून है, सारे दुनिया भर के देशों में यही कानून चलते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग इंडिया के विदेशों में प्रैक्टिस करते हैं एज एन एडवोकेट। क्यों, कैसे करते हैं? कानून क्या अलग नहीं है? नहीं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। जैसे हमारे लॉ कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में, उस समय मैंने देखा इजिप्ट से, अफगानिस्तान से और नाइजीरिया से, इन सारे कंट्रीज से इतने सारे बच्चे पढ़ने आते। हम तो यही लॉ पढ़ाते हैं जो यहाँ चलता है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज था, बाकी लॉ वही था, ठीक है ना। तो ये तो मैंने छोटी सी बैकग्राउंड बताई, बैकग्राउंड तो बहुत बड़ा है इसका, लेकिन मैंने बहुत छोटी सी बैकग्राउंड बताई। अब पीनल लॉ होता क्या है? देखो, सोसाइटी में कुछ एक्शंस हैं, और वो एक्शंस प्रोहिबिटेड हैं, निषिद्ध हैं। कैसे हैं? प्रोहिबिटेड या निषिद्ध हैं कुछ एक्शंस, और कुछ एक्शंस निषिद्ध नहीं है। तो जो निषिद्ध एक्ट हैं, वो निषिद्ध एक्शंस हैं, उनके लिए
इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं और निषिद्ध जितने भी प्रोहिबिटेड एक्शंस हैं वही उन्हीं के लिए लोगों को पनिशमेंट मिलता है. दिस इज कॉल्ड पिनल लॉ. तो पिनल लॉ में होता क्या है, एक तो लोगों के एक्शन, देखो ऐसे समझो आप अपने दोस्त के घर गए, दोस्त बहुत अच्छा है, आप गए ये किताब उठाई और लेके चले आए और दोस्त को पता है कि मेरा वो फ्रेंड आएगा, कभी कोई किताब ले भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दे जाएगा. तो ये कोई ये जो एक्शन है ना प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन लेकिन बिना किसी की अनुमति से उसकी चीज को ले जाओगे तो उस एक्शन को एक नाम दिया गया. उस एक्शन को क्या दिया गया, नाम दिया गया. वो नाम हमने नहीं दिया, वो अंग्रेजों ने दिया, हमने नहीं दिया वो नाम. तो उसको उन्होंने नाम दिया थेफ्ट और उसी तरह के एक्शन को जो वो थेफ्ट कह रहे हैं हम उसी को चोरी कह रहे हैं. तो वेरियस टाइप ऑफ एक्शंस आर डिफाइंड इन दिस पिनल लॉ. विभिन्न प्रकार के एक्शंस की डेफिनेशंस हैं. फिर डेफिनेशन के बाद कोई भी व्यक्ति उस डेफिनेशन के में दिए हुए बात से अन्यथा कोई काम करता है तो उसे दंड भी मिलेगा. तो वो अलग अलग तरीके से होगा. जैसे एक आदमी ऐसे किसी की किताबें देखी कि अच्छा ये किताब लाया है, मैं भी आरजेएस के मेन की तैयारी कर रहा हूं, ये भी कर रहा है, यार ये किताब तो बाजार में मिल नहीं रही, चुपचाप बेच चलता हूं. तो इरादा, क्या चीज, इरादा, इंटेंशन, इंटेंशन वहां खराब है. जब इंटेंशन खराब होता है तो ये एक्शन खराब हो गया, तो ऐसे एक्शन के लिए पनिशमेंट मिलेगा. क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा. ऐसे ही मान लो आपने किसी आदमी को अपने घर में रखा और उसे आप कहते हो कि देखो ऐसा है आपको 10,000 रुपये महीने देंगे, आप हमारे यहाँ काम किया करो. अब काम वाला व्यक्ति, आपके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति आपकी चीजें ले जाए तो उसके लिए अलग एक्शन बनाया, एक दूसरा ले जाए उसके लिए अलग एक्शन, उसका नंबर अलग रखा, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे आपने नौकरी दी वो ले जाए तो उसके लिए अलग एक्शन रखा. ऐसे ही मान लो कोई आदमी घर में आके चीजों को ले जाए तो उसके लिए अलग एक्शन का नाम दिया, एक आदमी बाहर से ले जाए तो उसका अलग, एक आदमी जेब में चाकू रख लाए कि यार कोई मिल गया तो बचना भी पड़ेगा, जब चोरी करेंगे तो भागना भी पड़ेगा, तो भागने के लिए क्या करना, तो उस एक्शन का अलग नाम दिया. बात समझ में आई? तो जैसे जैसे एक्शन वैसे वैसे सेक्शन. क्या समझ में आया, जैसे जैसे एक्शन वैसे वैसे सेक्शन. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या केवल एक्शन ही ऑफेंस होता है? नहीं, दो चीजें हैं, एक चीज है करना और एक चीज है नहीं करना. तो नहीं करना भी उतना ही अपराध हो सकता है, उतना ही बड़ा ऑफेंस हो सकता है. जैसे एक कांस्टेबल है और उस कांस्टेबल से कहा कि भाई आपकी ड्यूटी इस तालाब पर लगा दी जाती है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कोई बच्चा इस तालाब में डूब न जाए ये
ये ड्यूटी है तुम्हारी यहां पे। अब वो कांस्टेबल क्या कर रहा है, मोबाइल लेके बैठा है। ये बीमारी आज की तारीख में सबको है, शायद ही क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके पास मोबाइल ना हो, बिल्कुल सामने रख के रहते हैं, कोई नहीं मिलता तो इसी पे लगे रहते हैं, रील देखते रहते हैं। तो ऐसे कांस्टेबल भी देखेगा। अभी आप चौराहे पे चले जाओ तो तीन तीन लोग लगा रखे होंगे वहां पे, वो ही रील देख रहे हैं। एक दिन दो दिन एक चौराहे पे दो तीन गाड़ियां आपस में भिड़ गई, क्योंकि वो तीन लोग लगे हुए थे, एक लड़की लग रही थी, दो लोग और लगे हुए थे, तीनों कांस्टेबल अंदर, तीनों को कोई लेना देना नहीं, आपस में मोबाइल पे लग रहे थे। तो पता है एक्ट की जगह पे इस शब्द का नाम दिया ओमिशन। ओमिशन बोलते हैं नॉट टू डू, नहीं करना। तो जहां जहां इसमें इस शब्द प्रयोग हुआ है टू डू, वहां वहां ओमिशन भी यूज हुआ है। टू डू और नॉट टू डू, दोनों तरह के। तो को काम का करना और काम का नहीं करना, दोनों ऑफेंस है, दोनों ही क्या है, ऑफेंस है। तो इस एक्ट में क्या दे रखा है, करने वाले या नहीं करने वाले एक्शंस दे रखे हैं, और एक्शंस की डेफिनेशन दे रखी है, और उनकी उनका पनिशमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, और इस एक्ट को बोलते हैं सबस्टेंटिव लॉ, क्योंकि इसमें लायबिलिटीज दे रखी है। ऐसा ऐसा करोगे तो ये वाला पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा ऐसा करोगे तो ये वाला पनिशमेंट मिलेगा, तो उसकी लायबिलिटी दे रखी है। तो जहां राइट्स और लायबिलिटीज दी हुई होती हैं, डिफाइन की हुई होती हैं, वो सबस्टेंटिव लॉ कहलाता है। और इन लायबिलिटीज को मान लो पनिशमेंट कैसे करें, एक आदमी ने थेफ्ट की तो उसे सजा कैसे दें, भाई थेफ्ट की, ये तो पहले एक तरह से प्रूव होना चाहिए, ये सही बात पता लगनी चाहिए कि वाकई में इसने चोरी की या वैसे ही फंसा दिया। तो इस सारे काम को करने के लिए जो कानून है दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर लॉ। क्या कहलाता है, प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ का मतलब होता है कि जहां अपने अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड ड्यूटीज को आप एक्शन में लाते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर टू टाइप ऑफ लॉज, नेचर ऑफ बोथ द लॉज आर डिफरेंट। दिस इज पीनल लॉ, दिस इज कॉल्ड सबस्टेंटिव लॉ, और प्रोसीजर, जैसे आप सीआरपीसी पढ़ रहे थे, सीआरपीसी पढ़ा जिन लोगों ने अपने कॉलेजेस में पढ़ा होगा, तो वो क्या है, प्रोसीजर। उससे हम चीजों को, जैसे एक आदमी ने किसी के चाकू मार दिया, वो घायल हो गया, वो कहां जाएगा, थाने जाएगा, मेरी तरफ ही देखना है, मेरी तरफ जब तक देखते रहोगे, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते रहोगे तब तक समझ में आएगा, कहीं दूसरी जगह चले जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, मेरी तरफ ही देखना है। तो चाकू मार दिया, जब चाकू मार दिया तो थाने गया, थाने वालों ने कहा भाई चलो आपका मेडिकल करा देते हैं, तो मेडिकल कराया, पट्टी वट्टी कराई, किसने मारा, ऐसा फला व्यक्ति ने मारा, चलो ठीक है, आप जानते हो उसको, हाँ जानता हूँ सर, लिख के दे दो, सर मेरे से हाथ ही नहीं चल रहा, बोले बोल दो हम लिख लेते हैं, तो वो सब टाइप कर लिया, फॉर्मेट फिक्स है, उस फॉर्मेट में जो कुछ भी टाइप कर लिया, दिस इज एन इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, एंड देन पुलिस
will start to collect the evidences so that we can prove that person committed an offense. हम ये जानकारी कर सकें, एविडेंस इकट्ठा करेंगे कि उससे उस व्यक्ति ने अपराध किया, ये साबित करें. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब जो प्रोसीजर चल रहा है, उसके बाद उन्होंने एविडेंस इकट्ठा किया, दे पुलिस अरेस्टेड दैट पर्सन, और सारे एविडेंसेस के साथ उसको एक चार्जशीट बनाई और उसको ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने रख दिया. और मजिस्ट्रेट ने उसे पूछा कि अच्छा आपने अपराध किया, आप अपना जुर्म स्वीकार करते हो या नहीं करते? तो जैसे सब डिनाई करते हैं, ऐसे उसने भी डिनाई किया. फिर मजिस्ट्रेट से कहा कि भाई एपीपी ने कहा सर ये हमारे पास एविडेंस है, ये हमारे पास लिस्ट है. तो वो कहेंगे ठीक है आप अपनी लिस्ट दो. और उन लिस्ट को कि सब हमारा ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, ये PW1 है, ये PW2 है, प्रोसिक्यूशन विटनेस बोलते हैं उन्हें. तो जो आरोप लगाता है उसे बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, अभियोजन, अभियोग लगाने वाला. अभियोग लगाने वाले को क्या बोलते हैं? अभियोजन या अभियोग लगाने वाला, हिंदी में अभियोजन, प्रोसिक्यूशन. और जो उनके गवाह होते हैं, जो उनके विटनेस होते हैं, जो उनके आर्टिकल्स होते हैं बाय विच दे वांट टू प्रूव द मैटर, वो सारा का सारा, तो जैसे विटनेसेस आए हैं उनको बोलेंगे प्रोसिक्यूशन विटनेस. तो सारे के सारे प्रोसिक्यूशन के विटनेस, तो नंबर 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, जितने भी हैं, उन सब ने कोर्ट में उसके अपराधी के विरुद्ध जो कुछ भी कहा. फिर उसको अपराधी से पूछेंगे, अच्छा ये बताओ कि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 आपके विरुद्ध ये कह रहा था, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? 2 ये कह रहा था, 3 ये. तो वो अपने तरफ से जो कहना चाहे वो कह सकता है, सर ये तो मेरा दुश्मन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हमारी बहुत पुरानी इसकी दुश्मनी चल रही है, ये तो मेरे से चिढ़ता है, ये मेरे उसके जिसके चाकू लगाए उसका दोस्त है, ऐसे करके वो कुछ भी कह सकता है. फिर उससे कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास कुछ है जिनके द्वारा ये आप डिसप्रूव करना चाहते हो कि आपने अपराध नहीं किया? कहाँ सर मेरे पास भी है, मेरे देखो वीडियो क्लिप है, मैं यहाँ था, मैं वहां था ही नहीं, जो भी. तो उसने भी अपने रखे और उसके बाद जजमेंट दे दिया. दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोसीजर. क्या है प्रोसीजर? तो पनिशमेंट तो बाद में आया, तो वो प्रोसीजर फॉलो हुआ. तो क्या समझ में आया? एक लॉ प्रोसीजर लॉ है और एक लॉ सब्सटेंटिव लॉ. तो पीनल लॉ क्या है? सब्सटेंटिव लॉ. और इन पनिशमेंट्स को हम प्रोसीजर लॉ के माध्यम से कोर्ट में पाते हैं और कोर्ट में मुकदमे चलते हैं. ठीक है, तो ये दोनों तरह के कानून आपको पढ़ने होंगे, दोनों तरह के टिप्स पे लाने होंगे. ठीक है, अब देखो ये जो अभी एक्ट पढ़ रहे हैं, इन एक्ट्स में 1% से भी कम, कितना? 1% से भी कम चेंज है, वही है, पुराने वाले ही हैं. ये भी चेंज नहीं किया, जैसे आईपीसी में एक सेक्शन 510 होता था, 510. तो जब कभी कोई आदमी बहुत ज्यादा पी पा के जाता था ना उसको, तो बहुत छोटी सी सजा उसकी होती थी, तो वो सजा एज इट इज इसमें नए एक्ट में जब ये तो चेंज हो जानी चाहिए थी, तो वो सजा अभी भी वही की वही है, 24 घंटे वाली सजा. तो कोई चेंज नहीं है, बल्कि नंबर चेंज है. क्या है? नंबर चेंज है. कैसे? जैसे आईपीसी में सेक्शंस में सारे अलग अलग, हर डेफिनेशन का एक अलग सेक्शन था, यहां सारी डेफिनेशन एक ही सेक्शन में डाल दी है. तो जैसे आईपीसी में 511 सेक्शन थे, यहां वो 358 रह गए, क्योंकि एक सारी डेफिनेशंस को कहां ले आए? एक सेक्शन में ही ले आए. ठीक है ना,
तो वही एक्ट है, कोई खास अंतर नहीं है, सारा कुछ वही है। यहां तक की बात सबके समझ में आई? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई बात नहीं, आठ धारा नहीं है तो नहीं पढ़ा देंगे उसमें, कोई वो तो विशेष बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये कानून तो वही है, ऐसे पहले भी कितने भी बार अमेंडमेंट होते रहते थे, उस आईपीसी में भी होते रहते थे वैसे ही अमेंडमेंट। जैसे रेप के सेक्शन चेंज हुए तो उसमें ए बी सी डी ई तक जुड़ते चले गए, और भी सेक्शन आए 354 ए बी सी डी वो आए, ऐसे तो पहले भी होते रहे हैं। तो कोई ऐसा चेंज नहीं है जिसे हम ये कहें कि दिस इज द न्यू लॉ, लेकिन नाम नया है, नाम नया है और पुरानी वाली को रिपील कर दिया है। ये बात इसी एक्ट में लिखा हुआ है, इसका लास्ट सेक्शन वो यही कहता है कि आईपीसी हैज रिपील्ड, ठीक है ना, उसको रिपील कर दिया है। लेकिन अभी जो एग्जाम हो रहे हैं, एपीओ का एग्जाम हो रहा है, वो तो पुराने एक्ट से ही होगा। मान लो कोई नया नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए तो बात अलग है, तो उससे कोई विशेष असर पड़ने वाला नहीं, तो पुराने एक्ट से ही होगा। तो हम दोनों एक्ट को साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। तो बस एक टेबल है इसमें जो आगे ही दे दी है, पुराने में नंबर ये है, नए में ये है, तो पूरी की पूरी टेबल दे रखी है, तो उससे कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को एक बात समझनी है, क्या कि सभी इंस्टीट्यूशंस अभी तक ये करते रहे कि प्री के लिए पढ़ाते रहे, मेंस के लिए पढ़ाया नहीं, तो मेंस के लिए नहीं पढ़ाया। अब जैसे ही प्री में तो चार ऑप्शंस होते हैं, एक करेक्ट ऑप्शन चूंकि किसी भी स्टूडेंट ने थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ा है तो वो टिक कर देगा उस पर। लेकिन मेन एग्जामिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रीलिम्स। वहां लिखना पड़ता है, आंसर लिखना पड़ता है और करेक्ट आंसर लिखना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर लिखना पड़ता है, उसके लिए आपको साथ साथ पहले तो फिल्म्स को जो वो मजबूत करना होगा, लेकिन साथ साथ मेन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होती है। यदि मेन एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की हुई होती है तो कट ऑफ के आसपास नंबर आते हैं, और जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी मेरिट लिस्ट नेशनल लेवल पर बनती है। एक तरह से पूरे देश भर के बच्चे एग्जाम देते हैं और उनके साथ उनका कंपटीशन है, और जो जनरल की गर्ल्स हैं उन्हें तो रिजर्वेशन है, राजस्थान में 30% रिजर्वेशन मिलता है। जनरल बॉयज की सबसे ज्यादा, जनरल बॉयज के लिए एग्जाम बहुत टफ है, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें हमेशा क्लास में औरों से ज्यादा एडवांस ही रहना चाहिए। यदि वो औरों के बराबर चल रहे हैं ना तो ये समझ लो उनका नहीं हो रहा है, वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहे। हाँ, जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी बॉयज हैं, उनका कंपटीशन राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट जो ओबीसी हैं, ओबीसी बॉय हैं, उनके साथ है, उनके सर्किल में है, उनसे ही संघर्ष है उनका। जो ओबीसी गर्ल्स हैं उनका ओबीसी की गर्ल्स के साथ ही है, जो एससी के बॉयज हैं उनका एससी के बॉयज के साथ कंपटीशन है,
एससी की गर्ल्स हैं उनका एससी की गर्ल्स के साथ ही कंपटीशन है, एसटी की गर्ल्स हैं उनका एसटी की गर्ल्स के साथ कंपटीशन है, एसटी के बॉयज का एसटी के बॉयज, तो इस तरह के सर्किल बने हुए हैं। जो डिवोर्सी हैं तो उनका कंपटीशन जितनी डिवोर्सी लड़की बैठती हैं उनके साथ है, उनकी कट ऑफ बहुत नीचे जाती है, संख्या में भी कम होते हैं, सीट्स भी कम होती हैं, तो उनके कंपटीशन उस रूप में उनके साथ है। तो मेन एग्जामिनेशन की तैयारी केवल जिसने पहले से ही कर रखी है वो प्री में भी अच्छा करता है, प्री में भी उसके 85 टू 90 के आसपास स्कोर रहता है, 85 से 90 के आसपास स्कोर रहता है। दूसरा, जो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं वो उनके लाले पड़े रहते हैं, भाई कट ऑफ क्या जाएगी, होगा नहीं होगा, तो मेन की तैयारी भी साथ साथ करनी होगी। अब मेन की तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की तैयारी होती है, डिफरेंट टाइप की, ऐसे जैसे भी आप पीनल लॉ पढ़ रहे हैं तो इस पीनल लॉ में से जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो एक एरिया फिक्स है, ये वाले क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, तो उसके वैसे तो यहाँ राजस्थली के नोट्स हैं, वो नोट्स दोनों को मिक्स करके बनाए हुए प्री मेंस दोनों के हिसाब से, लेकिन आपको अपना एक रजिस्टर बनाना चाहिए और मेन मेन के वो सारे सारे एक साथ, बेरेक्ट है तो बेरेक्ट लिख लिया, जो है वो लिख लिया आपने अपना अलग, जब अलग लिख लिया वो हम कराएंगे भी लिखवाएंगे भी, अलग लिख लिया तो बार 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 सिर्फ वो ही रजिस्टर, फिर बेरेक्ट भी छोड़ दिया, नोट्स भी छोड़ दिए, हमारे पास चार पांच रजिस्टर हैं, हम उन्हीं को रिवाइज करते हैं और उन्हीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता कि एक दिन में रजिस्टर बना के कोई दे दे, कोई इंस्टीट्यूट दे दे सारा, जब बनाओगे खुद बनाओगे तब खुद डेवलप होगे, ऐसे नहीं कोई आदमी एक्सरसाइज करता है तो उसका शरीर बहुत दिनों में उस एक्सरसाइज के हिसाब से डेवलप होता है, सालों लगाता है वो उसमें, सालों मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लगवा लिया और वो बस ठीक है फूल के लग गया, तो वो दिख रहा है फूल के पर उसमें कोई एनर्जी नहीं है। अब मान लो मैं ही सारी मेहनत करता रहूं और आप सिर्फ ऑडियंस की तरह देखते रहें, दर्शक की तौर पर देखते रहें, तो मैं तो पहले से ही लॉज में डेवलप्ड हूं, मेरा ही और डेवलपमेंट होता रहेगा, आपका क्या होगा। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक खिलाड़ी है, उसे ओलंपिक में दौड़ के लिए तैयार किया जा रहा है, वो जाके स्टेडियम में देखता रहता है और गुरुजी तुम दौड़ते रहो, तो गुरुजी दौड़ते रहें तो गुरुजी तो जा नहीं रहे ओलंपिक में, जाना किसको है, खिलाड़ी को, खिलाड़ी देखता रहता है गुरुजी को, तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे करते जाइएगा, बढ़िया क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के एक एक अच्छा रजिस्टर खरीदिएगा, ऐसा मत करना सस्ते वाला दे दो, कम पैसे वाला दे दो, बस सीधे ही दुकान पे जब जाओ तो क्या कहोगे कि भैया आपके पास सबसे अच्छा रजिस्टर हो वो दे दो, सबसे अच्छा, निश्चित रूप से पैसे भी ज्यादा लगेंगे। सबसे अच्छा क्यों लेना चाहिए, इसका भी एक कॉम्पिटिशन है। सबसे अच्छा पेन, अभी एक एक रुपए के पेन से लिखोगे तो फिर आपके हैंडराइटिंग कैसे आएगा वो जानते ही हो, फिर आप मजिस्ट्रेट की तैयारी तो नहीं कर रहे, उनका नहीं होता जो समझौतावादी होते हैं बहुत छोटे छोटे, हर चीज में आपको बेस्ट क्वालिटी में आना पड़ेगा। तो अच्छा पेन, अच्छा रजिस्टर, अच्छा रजिस्टर
कागज की क्वालिटी अच्छी हो, सब अच्छा हो, वो वाला रजिस्टर लेगा। ठीक है भाई, आप ये तो देखो, एक मजिस्ट्रेट को 2 लाख रुपया महीना की तनख्वाह मिलती है और इतनी सुविधाएं मिलती हैं। यदि LLM कर रखी तो 30-35 हज़ार रुपये महीने और ज्यादा मिलेंगे। 10:30 बजे जाना और 4:30 बजे घर आ जाना, हर महीने 200-300 लीटर पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, अपनी गाड़ी आराम से चलाओ, पैसे सरकार के पैसे से, पेट्रोल से। कभी इधर से उधर ट्रांसफर होता है तो 3 लाख रुपए इस बात के मिलते हैं, डिस्टर्ब अलाउंस, कि भाई आपका सामान टूट फूट तो नहीं गया है। कोई घर पे आता है तो 6,000 रुपये महीने, 200 रुपये रोज इस बात के मिलते हैं। कोई तुम्हारे घर पे चाय पानी पीने आया हो तो चाय पानी अपने पैसे से मत पिलाना, सरकार देती है। घर में सबको, जैसे यहाँ कितना महंगी बिजली आती है, करीब 50-60 हज़ार रुपये इस इंस्टीट्यूट का और ज़्यादा जाते हैं, तो हर महीने बिजली का बिल जाता है। मजिस्ट्रेट के घर में 1 AC चलाओ, 4 AC चलाओ, सब फ्री। और भी बहुत सारे जो जो अधिकारी बताते रहते हैं मुझे तो, और बाकी इसमें रूल्स में लिख रहे हैं सारी सुविधाएं, घर पे नौकर मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो रेस्पेक्ट बहुत है। दूसरी, जो तुमने कर दिया, यू आर किंग ऑफ योर कोर्ट, नो वन कैन इंटरफियर इन दिस कोर्ट। चाहे राहुल गांधी आए, चाहे मोदी आए, कोर्ट में ऐसे ही खड़े रहेंगे, उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल जेल में है तो केस किसके सामने किए जाते हैं? मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, अपराध बनता है तो, अब वो तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश होते हैं। और कोई बड़ा जज, छोटा जज, बड़ा जज भी नहीं कह सकता अपने छोटे जज को कि नहीं इसमें ऐसे कर देना, कोई नहीं कह सकता। तो ये सुविधाएं हैं, ये आपको उत्साहित करते हैं, हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और हमें हर हाल में ऐसे काम के लिए बनना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, नोटोरियस आदमी नहीं बनता कभी भी। यदि आप नोटोरियस हैं तो उस स्वभाव को त्यागिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने कहा है, आप जैसा जैसा चाहोगे ना वैसे ही बन जाओगे, जैसे चाहोगे वैसे ही बन जाओगे। मैं उनका एक प्रवचन सुन रहा था, संगति पर बहुत जोर दिया उन्होंने। आप अपनी संगति, आप अपने दोस्त अच्छे बनाओ, खराब लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम खराब हो ही जाओगे एक न एक दिन। ऐसे दोस्त बनाओ जो थोड़ी देर बाद पूछे, और यार तेरे क्या हाल है, बहुत दिनों में आया, आज कहीं चल घूम के आते हैं। मत बनाओ उसको, क्योंकि वो तो वैसे ही डूब रहा है, तो मैं भी ले डूब रहा हूं। वो पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं करता, जो पढ़ाई की बात करे, अरे यार मैंने ये तैयार कर लिया, ये नोट्स बना लिए, ये देख मैंने ऐसा किया, देख मैं तेरे को ये सेक्शन सुना देता हूँ, ये सुना, तो वो भी बनेगा और हो सकता है तुम भी बन जाओ, चाहे तुम कमजोर हो। उससे दूरी बना लेना जो पढ़ाई नहीं करता, उससे भी दूरी बना लेना जो कभी कभी क्लास आता है कभी नहीं आता। ऐसे स्टूडेंट को मैं तो पसंद करता नहीं। बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बल्कि मेरी इच्छा ये होती है कि जो एब्सेंट होता है बार बार, तो वो क्लास ही ना आए, क्योंकि तो वो बनना नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से भी दोस्ती मत रखना, ठीक है ना। तो नया एक्स पहले दिन शुरू हो रहा है, अर्थात पूरा का पूरा बैच नया है उसके लिए। ठीक है, और चूंकि इन एग्जाम के संबंध में मेरा
एक लंबा अनुभव है, सैकड़ों बच्चों को सहयोग कर चुके हैं, विभिन्न पदों पर नौकरी कर रहे हैं, विभिन्न न्यायालयों में काम कर रहे हैं, विभिन्न अदालतों में वकील के तौर पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये मेरा अनुभव है। मुझे याद है कि 2-3-4 एक साथ स्टूडेंट, चारों एक साथ ही पास हो गए, तो उनकी संगति का कारण था। तो कुसंगति मत रखना। ठीक है ना, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। जो इंपॉर्टेंट बात, हम अब आ जाते हैं एक्ट पे। तो ये पीनल लॉ में मैंने भी आपको बताया, दंड विधि बोलते हैं इसको, जिसमें दंड के प्रावधान हैं। प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट आर गिवन इन दिस एक्ट। अब नए एक्ट का एपीओ के लिए कोई है, कोई आप में से जो एपीओ के लिए दे रहा हो? एपीओ का, अच्छा आप दे रहे हो, तो आप पे आईपीसी होगा ना, आईपीसी आईपीसी रखिए ना आप। कौन सा एक्ट लाए? अच्छा, अब इसका जो सेक्शन वन है ना, इसका सेक्शन वन आप एपीओ दे रहे हो, तो इसका सेक्शन वन नहीं पढ़ना आपको, आईपीसी का सेक्शन वन पढ़ना है। आईपीसी का जो सेक्शन वन है वो कहता है कि इंडियन पिनल कोड वॉज एनफोर्स्ड ऑन 1 जनवरी 1962। में लागू हुआ, 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ। नाम जरूर है उसका, इंडियन पिनल कोड 1860। इसमें क्या है कि इसमें लिख दिया कि ये एक्ट उस दिन से लागू होगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। तो इसका नोटिफिकेशन आया कि 1 जुलाई से ये लागू हो गया है। और चूंकि इसी एक्ट में नई जो नया न्याय संहिता है उसका जो लास्ट सेक्शन है उसने ये कह दिया कि आईपीसी रिपील हो चुकी है। ठीक है ना, अब सेक्शन टू में जो डेफिनेशन दे रखी है, ये सारी डेफिनेशन आईपीसी में भी एज इट इज दे रखी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। वहां ये सेक्शंस में दे रखी है, यहां सेक्शन टू सब क्लॉज में दे रखी हैं, क्लॉजेस में दे रखी हैं। ठीक है ना, तो आप आईपीसी ही रखो क्योंकि एपीओ में आईपीसी आएगी, एपीओ भी आईपीसी से ही हो रहा है, और अभी एडीजे की भी हाईकोर्ट ने निकाली है वैकेंसी, तो उसको में भी वही पुराने वाले एक्ट ही आ रहे हैं। और थोड़ी कोई एपीओ का ऑनलाइन वालों में है मोहित वगैरह ये लोग। अच्छा, ऑनलाइन वालों में एक चीज पढ़ने योग्य है नए एक्ट में। नए एक्ट में
हिंदी में ही इसमें ये लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, कि इसको उद्देश्य क्या है इसको चेंज करने का, इन्होंने लिखा है। जो वर्ष 1834 में लॉर्ड थॉमस वेंगविंगटन मैकाले की अध्यक्षता में विद्यमान न्यायालयों की, वैसे इस पढ़ रहा हूं इसका, नो नीड ऑफ इट, न्यायालयों की अधिकारिता शक्ति और नियमों के साथ साथ पुलिस स्थापना और भारत में प्रवृत्त विधियों की जांच करने के लिए भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। तो 1834 में बना आयोग ने सरकार को विभिन्न अधिनियमों का सुझाव दिया। आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक भारतीय दंड संहिता के लिए थी, वर्ष 1860 में अधिनियमित की गई थी। उक्त संहिता में समय समय पर संशोधन किए गए थे। भारत सरकार के विधि और व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ साथ विधिक प्रक्रिया को सरल करने का ध्यान केंद्रित करते हुए विद्यमान दांडिक विधियों का पुनर्वलोकन करना, समीचीन करना आवश्यक समझा। साधारण जन को जीवन यापन की सुगमता सुनिश्चित की जा सके, सरकार ने विद्यमान विधियों को समकालीन स्थिति के अनुसार सुसंगत बनाने और साधारण जन को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए विचार किया। तदनुसार समकालीन आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा विधिक ढांचा सृजित करने की दृष्टि से जो नागरिक केंद्रित हो और नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न पणधारियों के साथ साथ और परामर्श किया गया। अतः भारतीय दंड संहिता निरसन करके नई विधि अथवा भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को अधिनियमित किया गया, जिससे अपराधों और शास्तियों संबंधित उपबंधों को सुप्रभावी किया जा सके। समुदाय सेवा के लिए पहली बार छोटे छोटे अपराधों के लिए और राज्य के विरुद्ध अपराधों को अग्र, अब देखो ये बात है तो इसमें कोई चेंज नहीं है ऐसा जिसे हम बहुत बड़ा चेंज कह सकें कि जन सामान्य के लिए, जो कहते हैं तो पुरानी आईपीसी लिख दी है और कह रहे हैं जन सामान्य में सब आदमियों को समझ में आने लगेगी, कैसे आएगी? जिसे आप 302 कहते थे उसे 103 कर दिया, एज इट इज उठा के रख रखा है, कैसे आएगी? पहली वाली को तो जान भी गया था, लोग कहते यार ये आदमी बहुत 420 है, तो समझ जाते थे लोग चीटिंग की बात कह रहा है, ये चीटर है। तो सेक्शंस के नाम लोगों के उसमें, अच्छा ये तो 302 सब जानते थे हत्या का है, 376 सब जानते थे रेप का है, बहुत सारे सेक्शंस को सब जिन्होंने लॉ भी नहीं पढ़ा था वो भी जानते थे। तो डेफिनेशंस पे आ जाएं, हमें इसकी डेफिनेशंस को देखें। अब देखो सेक्शन वन का, जो सेक्शन वन है ठीक है ना, सेक्शन वन का क्लॉज 3, 4, 5, ये सेक्शन तीन, सेक्शन 2, 3, 4 आईपीसी के सेक्शन 2, 3, 4 है एज इट इज लिखे हुए, आईपीसी के सेक्शन 2, 3, 4 है। मुझे थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मैं समझाता हूं इसको थोड़ा सा। देखो एक्ट बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा वैसे ही समझने की कोशिश करो। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैं किसी के थप्पड़ मारूं, ठीक है ना, तो थप्पड़ मारने की जो सजा इस एक्ट में दे रखी है वो सजा मुझे भी मिलेगी, और वही सजा मान लो कोई पुलिस का ऑफिसर आईपीएस है
वो किसी को थप्पड़ मारता है, ठीक है, उसे भी मिलेगी। कोई मंत्री करे वो भी, उसे भी मिलेगी, मतलब देश में सबको मिलेगी, ठीक है ना। अब मान लो कोई विदेश का आदमी आ गया, कौन आ गया, विदेश का, वो यहां आके किसी के थप्पड़ मार देता है तो उसके ऊपर भी वैसे ही लगेगी। अब वो कहता है मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। अब देखो इसके संबंध में एक सिद्धांत है, लॉ का एक कंसेप्ट है। व्हाट इज दिस कंसेप्ट? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। विधि की भूल क्षम्य नहीं है। क्या नहीं है? मतलब एक बार क्या हुआ, एक हीरोइन है जिसका नाम है शिल्पा शेट्टी, नाम सुना है? तो शिल्पा शेट्टी का भी एक दिन ऐसा टाइम आया कि उसने इंटरनेशनल लेवल के किन्हीं नाटकों में उनमें काम किया तो उसे बहुत फेम मिली। वो नाटक था बिग ब्रदर्स के नाम से, उसमें वो बहुत फेमस हुई इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसी शो के सिलसिले में उसमें जो उसके साथ को एक्टर था, ही केम टू इंडिया और एक एंकर उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो हंसी मजाक में बात शुरू हुई और वहां से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। और वो वहां का ब्रिटेन का बड़ा हीरो था मिस्टर रिचर्ड गेयर, और ये प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा था। और चूंकि ये कैमरा चल रहा है और टेलीकास्ट हो रहा है तो इट विल बी डीम्ड कि दिस इज द पब्लिक प्लेटफॉर्म, और उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिचर्ड गेयर ने शिल्पा शेट्टी को किस किया। और भी जो उन्होंने आपस में जो हरकत की, तो ये टेलीकास्ट हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया सारा। जब ब्रॉडकास्ट हो गया तो जो मजिस्ट्रेट जयपुर में देख रहा था उस शो को, ही टुक कॉग्निजेंस हियर एंड द मजिस्ट्रेट हु वाज सीइंग दिस प्रोग्राम इन पटना, ही टुक cognizance there and the person or the magistrate who was seeing that program in Noida, he took cognizance there. Next day magistrate ordered to the government of India ki Richard Gere ko बाहर नहीं जाने दिया जाए। रिचर्ड गेयर बड़ा आदमी था, ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और कहा कि मेरे सारे केसेस एक जगह कंसोलिडेट कर दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट कंसोलिडेटेड ऑल द केसेस इन द वन कोर्ट, और वो वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आपने ये कैसे किया, क्यों किया? तो उन्होंने कहा सर इट वॉज क्वाइट नॉर्मल इन ब्रिटेन। उन्होंने कहा इट इज नॉट ब्रिटेन, नाउ यू आर इन इंडिया। तो बोले वहां कॉमन बात थी तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि आई एम कमिटिंग एनी ऑफेंस। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो पीनल लॉ है उसके अनुसार पब्लिक प्लेस पर ऐसा कोई काम करना जो देखने वाले
एक्साइटेड हो जाएं, कामोद्दीपक हो जाएं, वो नहीं कर सकते आप, वो अपराध है, कहीं पब्लिक प्लेस पर नहीं कर सकते। और चूंकि सीआरपीसी में प्रोविजन था कि जहां से टेलीकास्ट हो रहा है तो वो ये माना जाएगा यहीं हो रहा है, मैं यहां देख रहा हूं टीवी पे, तो ये यहीं माना जाएगा। तो मजिस्ट्रेट हैड द पावर अंडर सेक्शन 190 सब क्लॉज 3, तो वहां उसने कॉग्निजेंस ले लिया। तो उसने कहा सर मुझे पता नहीं था यहां के कानून के बारे में। उन्होंने कहा देखो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको नहीं पता, आप अमेरिका जाएं घूमने के साथ, हमें तो आपका कानून पता नहीं था और अपराध कर दें। आप किसी देश में जाओ तो वहां के कानून के बारे में पहले से ही आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे जानते हो या नहीं जानते, पूरी पृथ्वी पर यही नियम है, पूरी पृथ्वी पर यही नियम है। जैसे मैं दुबई गया तो वहां एक नियम था कि अगर आपकी कार गंदी हो रही है ना, गंदी गाड़ी आप रोड पर चला रहे हो, तो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे ट्रेस कर लेते हैं, अच्छा कार गंदी हो रही है तो आपके अकाउंट से खट से 200 दिरहम, 200 दिरहम मतलब 5,000 रुपया, हमारे यहाँ का 5,000, वहां का 200 दिरहम, वो उसमें से अपने आप काट लेते हैं। अब कोई आदमी गए इंडिया वाला जाएगा साहब हमें थोड़ी पता थी, हमारे यहाँ तो गंदी संदी कैसे भी चला लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरी खुद धो रहे हो उसको पानी लेके तो 200 दिरहम और लग जाएंगे, आप धो नहीं सकते गाड़ी, खुद अपनी कार नहीं साफ कर सकते, जहां आप रहते हैं सोसाइटी में वहां साफ सफाई की मशीनें लगी हुई है वही करेंगे साफ, आप खुद नहीं कर सकते। तो वहां के ये नियम हैं, तो कोई देश में जाते हो तो वहां अलग अलग नियम है। जैसे यहां बाएं चलते हैं वहां दाएं चलने का नियम है, उल्टा है जस्ट अपोजिट, कार में जाओगे तो सब स्टीयरिंग अलग अलग है। तो ये अलग अलग देशों के नियम हैं, तो सभी पर लागू होती है। तो क्या समझ में आया, द पर्सन हु इज इन इंडिया दिस पीनल लॉ शैल बी एप्लीकेबल ऑन होल द पर्संस, सभी व्यक्तियों पर इक्वली ये एप्लीकेबल है। क्या समझ में आया, इक्वली एप्लीकेबल है। अब नाउ द वर्ड इज यूज हियर ऑल द पर्संस, कौन पर्संस मींस लिविंग पर्सन, पर्सन मींस फॉर दिस पिनल लॉ लिविंग पर्सन, लिविंग पर्सन मींस हम और आप सब लिविंग पर्सन है, कंपनीज एसोसिएशंस है ना, कॉरपोरेशंस, दीज आर नॉन लिविंग पर्संस, इनमें जीवन नहीं होता, जीवन बिना बिना जीवन वाले पर्सन है, हम लिविंग पर्सन है। तो सभी लिविंग पर्सन पे है, जो भी इंडियन टेरिटरी में काम करते हैं उसमें किसी को क्षमा नहीं है, इसके एक्सेप्शंस हैं, फिर उन एक्सेप्शंस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। जैसे डिप्लोमेट्स वगैरह के हैं, जैसे यहां कोई अपराध कर दिया तो फिर उसको वहीं भेजेंगे। ऐसे ही मान लो कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है, देखो मैं जनरल बातें बता रहा हूं, कानून लिखे हुए कानून पर तो हम बाद में जाएंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, इस लेवल से बता रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूं कि गांव के किसान बैठे उन्हें उन्हें समझा रहा हूं। देखो
मान लो एक आदमी है, बांग्लादेश की सीमा पे है, अब वहां खड़ा है तो बैरिकेटिंग लगे हुए हैं, तो इधर से एक बंगाली गाली दे रहा है, उधर से दूसरा बंगाली सुन रहा है, दोनों ही बंगाली हैं। अब गाली ज्यादा, अब उस बंगाली के हाथ में पिस्टल है, उसने, वो आ तो नहीं सकता, लेकिन उसने अपनी पिस्टल से गोली चला दी। अब गोली कहां लगी? इंडिया की टेरिटरी में लगी। तो क्वेश्चन इज दिस कि वेदर आईपीसी एप्लीकेबल और नॉट। तो आईपीसी फिर भी लागू होगी, उस व्यक्ति को बांग्लादेश से यहां बुलाया जाएगा और उस पर भी आईपीसी लागू होगी। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक जापान का आदमी था, एक जर्मनी का था, और दोनों ही जर्मनी के पानी के जहाज पर जा रहे थे, और चूंकि वो पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन उनकी एक ये है कि जैसे पिस्टल और ये इजीली मिल जाती है वहां, ऐसे ही जैसे और सामान खरीदने जाते हो तो ऐसे ही मिल जाती है, तो जनरली लोग उनका यूज नहीं करते। लेकिन आपने देखा नहीं, अभी ट्रंप के गोली कांड के बिल्कुल यहां होके निकाल दी, और 20 साल का लड़का था। हमारे यहां तो नहीं मिलती, यहां मिल जाए तो आबादी आदि कर दे रहे एक दूसरे को कर करके, और फिर भी ले आते हैं कहां कहां से, जबकि प्राइवेटेड है। तो उनमें गोली चल गई, जैपनीज में और जर्मन में। जैपनीज घायल हो गया, घायल हो गया, तो जो पानी का जहाज चलाने वाला कैप्टन था, उन्होंने कहा कहाँ लेके जाऊं? उन्होंने कहा यहां से इंडिया नजदीक है, और वो श्रीलंका के आसपास कहीं रहे होंगे, तो वहां से इंडिया, तो त्रिवेंद्रम वगैरह में पहुंच गए, वहां इलाज हुआ, और उसके बाद वो बम्बई लाया गया। अब बम्बई में क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो चूंकि डेथ हुई यहां पे, तो पुलिस ने कहा कि हम तो बॉडी की इसकी पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बनाई, और बोले जो चलाने वाला था उन सब लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। उसने कहा मेरे ऊपर आईपीसी लागू ही नहीं होती। क्या कहा उसने कि मेरे ऊपर तो आईपीसी लागू ही नहीं होती, बिकॉज जहां हमारी फाइट हुई थी अवर शिप वॉज ऑन ओपन सी, वी वर नॉट इन योर टेरिटरी, आई डिडंट कमिट एनी टाइप ऑफ ऑफेंस। मामला हाईकोर्ट तक गया, बॉम्बे हाई कोर्ट स्टेबलिस्ट नो आईपीसी विल बी एप्लीकेबल बिकॉज इट्स सेक्शन थ्री सेज अबाउट इट्स इफेक्ट। इफेक्ट भारत में आ रहा है ना, तो दिस पिनल लॉ शैल बी एप्लीकेबल। क्या होगा? एप्लीकेबल होगी इंडिया। समझ में आ गया? एक व्यापारी था बंबई का, और वो लाहौर के व्यापारी से चावल मंगाता था। क्या मंगाता था? चावल मंगाता था।
तो उसने चिट्ठी लिखी कि मेरे को इतने इतने बासमती चावल चाहिए, बासमती चावल पाकिस्तान में भी फेमस है, और उनका लेन देन होता रहता था। तो उन्होंने कहा चेक भेज दो एडवांस और मैं फिर भेज दूंगा। चेक यहां से भेज दिया उसने, और उसने लगाया, उसके अकाउंट से पैसे कट गए। अब उसे कहा फोन पे यार चावल भेज, और वो टालम टोल करता रहा। बंबई वाले व्यापारी ने क्या किया, लाख वो कैसे न कैसे ही जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनके अनुसार इंडिया आया। अब वो कहने लगा, अब उसने वहां से अपना एडवोकेट कर दिया जाके, बोले मेरे ऊपर आईपीसी लागू ही नहीं होगी। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा लागू होगी। क्या कहा, लागू होगी, क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी परमिट्स अस चीटिंग का मुकदमा बनना है। खैर उन्होंने आपस में पैसे वैसे देके मामला सुलटाया, लेकिन कंसेप्ट हैज एस्टेब्लिश्ड कि दिस एक्ट शैल बी एप्लीकेबल। समझ में आ गया सबके? नाउ आई एम कमिंग ऑन थर्ड सिचुएशन। जो भारत का नागरिक है, कौन है भारत का नागरिक, सपोज वो कहीं दूसरे देश में घूमने गया और वहां उसका किसी से झगड़ा हो गया, उसने आदमी को मार दिया, तो क्या ये एक्ट उस पर भी लागू होगा? तो ये एक्ट उस पर भी लागू होगा। ये कहता है कि हमारा नागरिक कहीं विदेश में भी किसी के साथ अपराध कर देता है तो हमारा कानून उस पर भी लागू होगा। उनसे कहेंगे कि इसको यहां भेज दो, हम इसको पनिश करते हैं। सबके समझ में आ गई ये बात? हमारा नागरिक हमारी टेरिटरी पे कोई अपराध करे तो भी ये लागू होगा। किस पे करे? हमारी टेरिटरी पे। हमारी टेरिटरी का मतलब क्या है कि जहां तक आपको ये नक्शा दिखाई दे रहा है भारत का, यहां नक्शा जहां तक दिखाई दे रहा है, इसके बारह तक समुद्र में भी भारत ही है। कहां तक? 12 समुद्री मील तक भारत ही है। समझ में आ गई ये बात? 12 समुद्री मील तक भी भारत है, वहां तक भी कुछ हो जाएगा तो, और उससे ज्यादा है तो वो उसे बोलते हैं हाई सी या ओपन सी, वहां पर हमारे कानून लागू नहीं होंगे। अब बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिटरी, है ना? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी का मीनिंग क्या है? टेरिटरी का मीनिंग ये है, इफ एनी एयरक्राफ्ट और शिप विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, इट शैल बी डीम्ड कि वो भी टेरिटरी है। यदि कोई एयरक्राफ्ट या शिप हमारे यहां रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो भी ये माना जाएगा। एक बार क्या हुआ, भारत का इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज नेपाल गया, तो सामान्य तौर पे जब शादियों का टाइम होता है तो लोग फिक्स एरिया हैं हनीमून मनाने के, विदेश जाएंगे तो चलो नेपाल चलते हैं।
दुबई चलते हैं, इंडिया में ही जाएंगे तो कुल्लू मनाली और वो शिमला चलते हैं, हम भी शिमला ही गए थे। तो ऐसे लोग जाते हैं। तो नेपाल से दिल्ली से एक लड़का लड़की जिनकी शादी हुई थी, दिल्ली से वो नेपाल चले गए। अब वहां से वो एयर इंडिया का जो एयर इंडियन एयरलाइंस का जो जहाज था, IC 814 नंबर का जहाज था, वो काठमांडू से उसने उड़ान भरी और दिल्ली उसे उतरना था। लेकिन उसमें दो आतंकवादी चढ़ गए पिस्टल लेके, और उन्होंने जो हवाई जहाज चलाने वाला व्यक्ति था उससे कहा कि इसको लेके कंधार चल अफगानिस्तान, और कंधार के एयरपोर्ट पर उसे उतार लिया। तो उनका एक आतंकवादी था जो जम्मू कश्मीर की जेल में बंद था, उन्होंने कहा इसको छोड़ो, असद क्या नाम था, मसूद नाम से था, हैं, अजहर मसूद आतंकवादी था, उसको छोड़ो। बोले छोड़ दो नहीं तो हम सारे लोगों को यहीं मार देंगे। अब चूंकि वो अंदर बैठे थे तो उनका कोई इलाज ही नहीं था। दूसरी, अफगानिस्तान भी उस रूप में सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां पर जो सरकार थी उन्होंने कहा साहब कैसे बचाएं इनको, उनसे कहा कैसे बचाएं, ये आपके लोगों को मार देंगे। तो उन्होंने क्या काम किया कि कृत्याल नाम का एक लड़का था जो अपनी पत्नी के साथ नेपाल घूमने गया था, हनीमून मनाने गया था, उसके गोली मार दी और एक हत्या उन्होंने, लोग जितने लोग थे वो सब डर गए। अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री होते थे, गृह मंत्री भी वही थे, तो अजहर मसूद को हवाई जहाज में बैठा के वहां लेके गए और फिर छोड़कर आए। अजहर मसूद की डिमांड अभी तक हम पाकिस्तान से कर रहे हैं, क्योंकि उसके ही आदमियों ने जहाज में या गोली मारी, तो वो कंधार में गोली नहीं मारी गई। क्या माना जाएगा कि वो गोली इंडिया में मारी गई है। कहां मारी गई है? तो IPC में तो सेक्शन अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाए 2, 3, 4, और यहां पे सेक्शन 1 में ही दे रखे हैं क्लॉज 3, 4, 5। अब देखो यहां तक की बात पढ़ी, और आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक चीज और है, आजकल दूसरे अपराध भी होने लग गए हैं। कौन से? साइबर क्राइम। अब जो साइबर क्राइम्स हैं वो तो कहीं पर भी बैठ के किए जा सकते हैं। आप देख रहे हो लोग फोन पे ही, अभी थोड़े दिन पहले ही रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, उनसे 2 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिया। बंबई के पुलिस पुलिस की ड्रेस व्रेस पहन पहन के उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आपने ED का ये किया वो किया, अब झूठा आरोप आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब वो डर गए, उन्होंने पासवर्ड बता दिया, उनका ये OTP बताओ, OTP बताते ही पैसे बाहर, 2 लाख रुपए निकल गए। AI आ गया है, AI से की स्थिति ये है कि आपको कल्पना ही नहीं होगी, आपका ही चेहरा बोले मैं ही हूं, पर ये मैंने तो किया नहीं काम, वो काम दिखाया जा सकता है। आदमी खुद ही नहीं पहचान सकता कि मैं नहीं हूं, वो कहेगा हाँ मैं ही हूं तो ये, पर ये मैंने अपराध नहीं किया, अपराध करते दिखा दिया जाएगा। अपराध कर कोई और है, लेकिन
बॉडी भेज दी, एआई उस बॉडी में यही सब काम कर देगी। तो मैं देख रहा था, रात भी देख रहा था ऐसी चीजें। तो आज टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ गई है, जैसे अभी मेरा वीडियो इसमें जा रहा है, वीडियो की क्लिप उठाई और किसी आदमी को जैसे मार ही रहे हों, उसकी इस आवाज को उससे, तो उस आदमी को लगेगा, घर वालों को लगेगा, अच्छा उसे मार रहे हैं, और वो घर वाले विचलित हो जाएंगे। कई लोगों से ऐसे पैसे निकलवाए, देखो जी तुम्हारा लड़का हमने ये किडनैप कर लिया। अब बच्चे ने कभी वीडियो डाल रखी होगी सोशल मीडिया पे, उसकी वहां आवाज, तो वहां से आवाज के सैंपल लिए, आवाज के सैंपल दूसरे बच्चे के डाल के, ऐसा लगा अरे यार मेरा ही बच्चा है, मेरे कोई कह रहा है पापा बचाओ बचाओ। अब लग रहा है कि यार ये सब काय से हो रहा है, एआई से। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी चीटिंग में काम आ रही है। दूसरा, आपके कंप्यूटर में कुछ चीजें हैं, हर आदमी कंप्यूटर लेके हाथ में घूम रहा है, दिस इज द मिनी कंप्यूटर। इस कंप्यूटर से आपका डेटा, आपकी फोटोज, आपको पता ही नहीं कब ये इसमें से ट्रेस करके बाहर निकाली जा सकती है। आपकी बहुत सारी चीजें डिलीट की जा सकती हैं, आपके पैसे इधर से उधर किए जा सकते हैं। तो यदि अपराध, आप देखो बांग्लादेश के रिजर्व बैंक, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वहां भी रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक पहले से 1935 में बनी थी, तो आगे जब अलग अलग कंट्री हुए तो उनमें भी वैसे ही रिजर्व बैंक बनी हुई है। वहां की रिजर्व बैंक से सारा पैसा, सारा का सारा पैसा, बांग्लादेश का पूरा पैसा उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। वो तो अमेरिका की एजेंसी इतनी शार्प थी, तो वो सब पकड़ में आ गए और सारा रिवर्ट बैक किया। ऐसा होता है तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि इस पे भी हमारा पिनल लॉ लागू होगा, चाहे आप दुनिया में कहीं पर भी बैठ कर ये काम क्यों ना कर रहे हो, उस पर ये कानून लागू होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो आप इंडिया में बैठ के कर रहे हो, आपका सोर्स कहीं पर भी है दुनिया में, तो दिस एक्ट शैल बी एप्लीकेबल। ये बात सबके समझ में आ गई क्या? अब हम आते हैं, देखो नया एक्ट निकालो एक बार। हाँ बिल्कुल ठीक, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो सी इज आस्किंग कि मान लो एक आदमी ने अमेरिका में पढ़ने गया, वहां ऑफेंस कर दिया, तो अमेरिका का कानून पहले लागू होगा या यहां का? अब यहां के कानून में तो हमने लिख दिया, अमेरिका वालों ने भी वही बात लिखी होगी ना, जो पिनल लॉ हम यहां पढ़ रहे हैं वही पिनल लॉ वहां है। वहां के कानून में, वहां का जो पिनल लॉ है उसमें भी तो ये बात लिखी हुई है कि जो उनकी टेरिटरी में जो भी अपराध करेगा उसके ऊपर हमारा कानून लागू होगा, तो उनका कानून वहां लागू होगा, उनका कानून वहां लागू होगा। तो सबसे पहले तो उन्हीं का कानून लागू होगा। अब बात आती है कि यदि अपराध करके भाग आया है, यहां आ गया है, तो वो ये नहीं कह सकता कि अपराध तो मैंने वहां किया था, अपराध तो मैंने अमेरिका में किया था। जैसे उसे पता लगेगी, यहां भी किसी को बताया अरे यार मैंने वहां एक आदमी मार दिया अमेरिका में, उसने कहा थानेदार जी को कि अमेरिका घूमने गया था वहां एक आदमी को मारा है, अच्छा तो थानेदार यहां भी पकड़ लेगा, अमेरिका में तेने आदमी मारा था। अब उसने स्वीकार कर लिया हाँ मारा तो था, उसके लिए बनाया है, ऐसा नहीं है, इसलिए बनाया है कि बाहर अपराध करके यहां फिर फंस जाएगा, इसलिए बनाया है।
अदरवाइज तो वहां का कानून लागू हुआ, जैसे हम यहां से नहीं जाने देते ऐसे ही। ये बात सबके समझ में आ गई। अब देखो सेक्शन वन, इसका निकालिए नए कानून का, नए वाला लॉ। इसका क्लॉज 3 देखिए, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू द पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट एंड ओमिशन कंट्री टू द प्रोविजन ऑफ देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। हर व्यक्ति संहिता के बंधनों के प्रतिकूल कार्य या लोभ के लिए उसका भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यही बात, ये सेम सेक्शन, ये सही, ये सेक्शन 2 है आईपीसी का और यहां पे क्लॉज 3 है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको यहां थोड़ी देर पहले बताया था कि एवरी पर्सन हु इज कमिटिंग एनीथिंग और ओमिटिंग एनीथिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही शैल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग दिस संहिता। अब आपको अंग्रेजी में भी संहिता बोलना पड़ा है, कोड नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका नाम संहिता कर दिया है, नॉट कोड। अभी विरोध हो रहा है साउथ में, बोले व्हाट संहिता, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग संहिता, क्योंकि वो तमिल वाले तेलुगु वाले वो कह रहे हैं अंग्रेजी में रखो ना नाम, इसका नाम हिंदी में रखा। वो संहिता नहीं समझते। तो इस क्लॉज में किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है ना। नेक्स्ट क्लॉज, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द इंडिया एंड शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डेंस विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। दिस इज द सेम सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि यदि वही काम जो बाहर हुआ यहां हुआ होता तो आईपीसी लगती। जैसे बांग्लादेश से गोली चलाई, यदि वो गोली यहीं चलाई होती तो आईपीसी, तो जहां से भी इफेक्ट आएगा। लाहौर की बजाय चेक यहीं दिया होता, यहां डिसओनर होता तो एनआईए एक्ट का प्रोविजन लागू होते तो भी यहां लागू होंगे। नेक्स्ट सेक्शन। अब देखो आप लोगों को एक एक सेक्शन को एटलीस्ट 10 टाइम्स, 10 बार में याद हो जाए तो ठीक, नहीं होता है तो 20 बार पढ़िए, 20 में नहीं होता तो 50 बार पढ़िए, 50 में नहीं होता तो 100 बार पढ़िए, पर ये आपको याद करने हैं। आपको तो समझ लो रट ले ऐसे ही है, मैंने समझा दिया, पक्का याद करना है। लॉ में यही समस्या है, समझ में तो सबके आया आता है, याद कोई नहीं करता। यू आर नॉट लर्निंग, यू आर नॉट लर्निंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तब एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये आपको कैसे करने हैं, पक्के करने हैं। जो कुछ भी आज पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं, टुमारो यू विल हैव टू टेल इन दिस क्लास, आपको यहां बताना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट, क्लॉज 5, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, भारत में रजिस्ट्री कर किसी भी पोत या
पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी अपराध का लागू हो, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस एंड टारगेटिंग द कंप्यूटर सोर्स लोकेटेड इन इंडिया, भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी भी स्थान से किसी व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना, तो कहीं से भी कर रहे हो दुनिया में। एक्सप्लेनेशन इन द सेक्शन द वर्ल्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया एंड विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिश अंडर दिस संहिता। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कमिट्स मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। का जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर और पर हत्या करता है, भारत में किसी भी स्थान पर जहाँ वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित तो दोष सिद्ध किया जा सकता है। यानी जैसे आपने अभी एग्जाम्पल पूछा, इट इज इलस्ट्रेशन द क्वेश्चन यू आस्क्ड। फिर क्लॉज सिक्स में जो बात लिखी हुई है वो सेना के लोगों के लिए प्रिविलेज दिया हुआ है। प्रिविलेज ये है कि उन्हें एडिशनल पनिशमेंट मिलता है, जैसे अभी आप थोड़ी देर तो सीधे बैठो, मैं कहूँ सीधे बैठ जाओ तो आप थोड़ी देर सीधे बैठेंगे, फिर थोड़ी देर में यूँ फिर यूँ फिर यूँ यूँ होने लगेंगे। पता है क्यों? आराम। लेकिन फौजी एक बार कह दिया यूं तो फिर चाहे दो घंटे हो जाए तो ये कारण क्या है? डिसिप्लिन। वो छोटी सी भी गलती करता है तो उसके लिए सेना विधियां मार्शल लॉज बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? मार्शल लॉज। तो इसलिए लिख दिया कि उनके संबंध में, जैसे उनसे कहा कि चलो 10 चक्कर लगाओ फील्ड के, तो उन्हें 10 चक्कर लगाने। अब मान लो एक आदमी 10 चक्कर नहीं लगा रहा है, पहले ही बैठ गया, तो उनके जो लॉज में जो व्यवस्था दे रखी है वो पनिशमेंट दिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ ये क्लॉज 6 बनाया हुआ है। तो अब आपके समझ में आ गया ना? मर्डर करने तो होगी, मर्डर करने तो मर्डर करने के लिए थोड़ी परमिट है। वो सब अपराधों पे है, उनके लॉज जो स्पेशल काम के लिए बने हुए उनके लिए, बाकी सब और तो सभी पर लागू है। ऐसा नहीं है कि देखो इंडियन टेरिटरी में यही संहिता लागू होगी चाहे वो कहीं पर भी हो, और सब व्यक्तियों पे लागू होगी। जैसे एक बार बाबरी मस्जिद और विवादित ढांचे के नाम से कार सेवकों ने एक कार सेवा की और वो ढांचा गिरा दिया, तो उनमें उस समय भाषण देने वालों में जो लोग थे, अडवाणी जी थे, उमा भारती थी, कल्याण सिंह थे, जो कल्याण सिंह यहां राज्यपाल भी रहे, कल्याण सिंह को एक दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा उसी मामले में, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया। लेकिन क्या हुआ कि बाद में वो गवर्नर बन गए, राज्यपाल बन के आ गए, और वो केस चल रहा था, तब तक उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का केस चल रहा था सबके ऊपर।
तो जो गवर्नर थे तो उस समय के लिए वो केस क्या हुआ, डेफर हो गया। डेफर का मतलब है कि तब तक हो 5 साल, तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ एनी स्टेट जब अपने पद पर हैं तब तक उन्हें क्या है, ये प्रिविलेज है कि उस समय भारत की किसी कोर्ट में उनके विरुद्ध केस नहीं चलेगा। लेकिन मान लो गवर्नर और प्रेसिडेंट किसी की हत्या कर दे तो उन्हें हटाया जाएगा, और हटाते ही फिर उनके ऊपर ये केस चलाया जाएगा। उन दो को ही प्रिविलेज मिला हुआ, किसी को प्रिविलेज नहीं है इंडिया में। प्रधानमंत्री करते प्रधानमंत्री पे केस चलेगा, किसी को प्रिविलेज नहीं है। केवल किसको प्रिविलेज है, दो ही लोगों को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर। भारत में दो ही प्रिविलेज लोग हैं, क्योंकि प्रिविलेजेस प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाएंगे ना प्रिविलेजेस। आपके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में आ गया क्या, वहां तो वहां नहीं आया होगा ये पढ़ने में। देखो कॉलेज की पढ़ाई और कंपटीशन का कोई मैच नहीं है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में तो बाल की खाल निकालनी पड़ती, एक एक चीज, डीप टू डीपेस्ट योर कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर डीपली, ऐसे नहीं हल्के फुल्के तरह से नहीं। तो मान लो किसी ने नहीं पढ़ा, मान लो कोई कॉलेज नहीं जाता है, सिर्फ कोचिंग कोचिंग में ही आता, तो हो जाएगा सिलेक्शन, कॉलेज की जरूरत ही नहीं। कॉलेज नहीं जाता है, कोचिंग कोचिंग ही आता है, हो जाएगा सिलेक्शन। अब कॉलेज में तो जैसे एग्जाम होगा वैसे ही उनके अकॉर्डिंग उनके एग्जाम को दे आओ, उसमें पास हो जाओ, उतना ही पर्याप्त है। लेकिन जो लोग यहां पढ़ोगे, अभी तो एक सेक्शन में कितना टाइम लग गया, अब मान लो मैंने डिलीवर कर दिया है, लेकिन आपको तो अभी पक्का याद करना है, सुनाना है, फिर सुनाना है, फिर इसके नोट्स बनाने। अब सेक्शन इतना ही याद रखोगे तो थोड़ी काम चलेगा। फॉर द मेन एग्जामिनेशन यू विल हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद द केसेस ऑफ एस्टेब्लिश्ड और डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जब तक वो नहीं दोगे तब तक फिर कैसे होगा, नंबर नहीं मिलेंगे, तो वो नोट्स बनाने पड़ेंगे। पहले तो आपको पक्का आना चाहिए, फिर उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये है। बेयर एक्ट के जितने नजदीक उतना सही, बेयर एक्ट से जितने दूर उतना गलत, यही फ्रेम है। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, अभी तो आपकी शुरुआत है, ये सब आ जाएगा। डोंट थिंक अबाउट इट, अभी तो बस जो बताया जा रहा उसे करो, वो बहुत दूर है, वहां तक पहुंचते पहुंचते ये परफेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्या टाइम हो गया, चलो आज इतना ही।